हम वक्कल लिया जो वीडियो देख रहे हो। ओके तो भाई यार आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि अभी मैं GTA 5 खेल रहा था और उसके बाद मैंने सोचा माइनक्राफ्ट खेल लिया जाए, लेकिन इस गेम के इतने गोबर ग्राफिक्स देख के मेरे तो सर में दर्द हो गया। कितने टट्टी भर के ग्राफिक्स हैं इस गेम के, ये देखो सारे में डब्बा डब्बा, ऊपर से कुछ कलर भी नहीं है। एक सेकंड, वो वहाँ पर क्या है? इसकी भैंस की डंडी, ये क्या चीज है? दिखने में तो कोई पोर्टल टाइप लगता है। ओके इस पे लिखा हुआ है रियलिस्टिक ग्राफिक्स इनसाइड, लगता है मेरे को इसके अंदर रियलिस्टिक ग्राफिक्स मिल जाएंगे। अबे तो पूछने की क्या बात है, इसके अंदर चलो वे। ओके तो मैं इधर टेलीपोर्ट हो चुका हूँ रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट में। ये सही में रियलिस्टिक दुनिया है क्या? दिखने में तो कार्टून लग रही है। एक सेकंड टेस्ट कर। ओके ऐसी की तैसी इसकी तो फिजिक्स है, यहाँ पे घास तोड़ने पे एकदम रियलिस्टिक जैसे गिर रही है। एंड इस टट्टी मिट्टी पे भी टेक्सचर आ गया है। एंड क्या पानी है भाई ये जी। यहाँ एक पहले से चेस्ट रखा हुआ है, इसमें डायमंड मिल जाए प्लीज, डायमंड मिल जाए। भैया डायमंड्स ये देखा, टट्टी दे दी। तो इसमें किताब रखी हुई है, जला दूंगा। नहीं नहीं पढ़ लेते हैं इसको। तो इसमें लिखा हुआ है फिल द कोल्ड्रोन विद वाटर एंड ब्रेक इट। एक सेकंड, कोल्ड्रोन? अबे तुम्हारा पप्पा छोड़ के आया क्या कोल्ड्रोन? ओ अच्छा, इसमें आयरन वगैरह रखा हुआ है तो लगता है मेरे को इसी से ही बनाना पड़ेगा। इसकी भैंस का डंडा भाई, क्या मस्त ब्लास्ट फर्नेस है। तो आयरन उबालने रख दिया है और मेरे को पिकैक्स मिली है, लेकिन क्यों? मांगा मैंने ये पिकैक्स। ओहो भैया वो देखो इस पेड़ में कितनी डिटेल्स है। चुप हो जा बच्चे, इसमें भी फिजिक्स है क्या? ओ भैंस की टांग, पूरा पेड़ गिर गया एक बारी में, वाह। तो कोल्ड्रोन इस क्राफ्टिंग टेबल में बनेगा। ओके बढ़िया टेक्सचर है। वैसे मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर इससे कुछ अच्छा नहीं मिला ना, क्या ही कर सकता हूँ मैं, कुछ नहीं करूंगा। बन गया कोल्ड्रोन। तो ये रहा पतीला, इसमें रखा पानी। वेट क्या कुछ भी तो नहीं हुआ, चूना लगा। एक सेकंड, तोड़ना भी था इसे। ओ कितना पिलपिला पलपुला पानी है ये। इस पानी के साथ खेल, मजा आ गया भाई। अबे इतनी जल्दी गायब हो गया, इस चीज को तो एक और बार करना बनता है। ये तोड़ा पतीले को। ओ भाई 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 भाई, वैसे मजाक से हटके ये पानी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। मैंने पहले सोचा था ऐसा पानी बस एनिमेशन में देखने को मिलता है, लेकिन माइनक्राफ्ट में ये देखने को मिल रहा है, मजा ही आ गया। एक सेकंड, ये क्या निकला बे? ओ वाओ काफी ज्यादा बढ़िया फिजिक्स लग रही है, और ऐसा लग रहा है मिट्टी नहीं मैं चॉकलेट तोड़ रहा हूँ। तो इस गड्ढे में अभी मैं पानी से मजे लेने वाला हूँ क्योंकि ये मेरा छोटा स्विमिंग पूल बनने वाला है। ये यहाँ पे रखा मैंने कोल्ड्रोन, अभी लाता हूँ पानी भर के। वो भाई क्या मस्त एनिमेशन थी। ए, टूट। ओ, कैसे फूट के निकला है पानी, इतना मजा आ रहा है इसके अंदर। और ये सारी भाई पानी की बॉल्स लग रही है, सब बाहर निकाल दूंगा। ये तो गायब ही हो गया। एक सेकंड, अगर मैं ये पत्थर तोड़ता हूँ तो ये पूरा पहाड़ गिरेगा क्या? ओके टूटना चालू। ओ नाइस काफी सारा गिर गया, तो टूटता ही जा रहा है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा, मजा आ रहा है भाई इसके अंदर। कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है इसके नीचे खड़ा होने में। ये ले सब तोड़ दूंगा, लेकिन मेरे ऊपर ये जो इतने सारे पत्थर गिर रहे हैं मेरे को डैमेज नहीं हो रहा है, यहाँ पर थोड़ी फिजिक्स कमजोर हो गई इनकी। ओ वेट ये चीज पानी में ट्राई कर। ओके क्या तगड़ी एनिमेशन है, सही में एकदम रियलिस्टिक लग रहा है भाई, कहीं से लग रहा है गेम का पार्ट है। अबे 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 गिरा ही जा रहा है। ए, ए, रुक जा। एंड ये देखो क्राफ्टिंग टेबल के एक एक ब्लॉक टूट रहे हैं। ओ क्या मस्त टूटा है ये। अरे ये चेस्ट बेचारा अकेला है, क्या करेगा भाई, फ्री का माल है, छोड़ूंगा थोड़ी। वेट व्हाट, ये क्या फुटबॉल बना दिया इसका, क्या हो रहा है? क्या मस्त चीज है, एकदम रियलिस्टिक, मजा आ गया खेल के। ये काफी बढ़िया था, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। कितना कूड़ा भरा पड़ा है मेरे पास। वेट मैंने इन्हें ड्रॉप करा और इनमें आइटम फिजिक्स लगी हुई है, इतना बढ़िया रियलिस्टिक लग रहा है। तो बताओ बच्चों तुमको कोई विलेज दिख रहा है? हाँ बिल्कुल सही कहा, वो रहा विलेज। तो वो विलेज में चलते। एक सेकंड भाई, ये कौन सा जानवर है? ये सच में पिग है क्या? अपना नाम बता, क्या है तू? नहीं। क्या मेरे को मना करेगा? देख आखिरी मौका दे रहा हूँ, मेरे भैंस की टांग मेरी को इज्जत है नहीं है। तू क्या देख रहे है, तेरे को इसने बोला? ओ क्या मस्त टूटा है ये टुकड़ों में। और सुअर तेरे को ज्यादा चर्बी चढ़ रही है, भाव खाएगा ये, लिखा भाव है जी। ये मुर्गी है क्या, रियलिस्टिक बना दिया इसको भी, पहले काफी कार्टून थी अब अच्छी लग रही है। हाँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ये है यहाँ का विलेज, और लगता है ये शीप है, है ना? इसी तेरे से एक क्वेश्चन है, ये मेरे जो बराबर में नूबड़ा खड़ा है ये ज्यादा प्रो है या मैं? इसमें कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल ये आयरन गोलम भी प्रो है। तेरी तो इतने लठ बजेड़ूंगा, नंगा करके मारूंगा। खैर छोड़ो इन्हें, अब विलेज में आओ तो सामान तो लूट। क्या मस्त दरवाजा खुल रहा है, रियलिस्टिक फिजिक्स इस घर पे भी है। उजाड़ दिया भाई सारा घर, उजाड़ दिया। ये बेचारे विलेजर कहाँ रहेंगे, इनके लिए नया घर बना दूं क्या? अजी कद्दू में नया घर बनाऊंगा और छत पे जाके सो जाएंगे चुपचाप। हाँ बेटू तू मेरे से ज्यादा प्रो है मेरे से ज्यादा, अपनी शक्ल देखिए तूने। ओह क्या मस्त टूटा, क्या डॉल बन रखा है ये। रुक रुक रुक, दो लात मेरे को भी मारनी है। अबे यार गायब हो गया ये, मेरे को ऐसे क्यों घूर रहा है, क्या हुआ अबे? अरे भैया हमको एक काम है आपसे, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गांव में हमारा एक दोस्त रहता है और उसके पास हमारी ये गानों वाली सीढ़ी है, और अगर आप फोन लगा दोगे तो मैं आपको डायमंड दूंगा। अरे यार यहाँ तो डायमंड का सवाल है, मैं क्यों नहीं करूंगा। ऑल राइट, तो सबसे पहले मेरे को ये ओशनी पार करना पड़ेगा। एंड वो रही मेरी बोट, तो ये बोट मेरे को पार करवाएगी उधर। भाई क्या लहरें आ रही है यहाँ, सीरियसली कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। ओके तो लेट्स गो। इसकी भैंस की डंडी कितनी ऊंची ऊंची लहरे आती है मेरे को। नहीं 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 मैं क्या से वापस, क्या हो रहा है, कितना मजा भी आ रहा है लेकिन डर भी लग रहा है, ये बोट जाने वाली है किसी भी टाइम। कुछ भी बोलो भाई, पानी तो अंधा रियलिस्टिक है इस वाले ग्राफिक्स में। गया मैं 100-200 ज्यादा आप पहुंचा दे बस मेरे को वहां पर। पहुंच के अरे भैया कैसे बचाऊं मैं, वो तो अच्छा मैं आजकल के बच्चों जैसा नहीं हूं, मेरे को उल्टी नहीं आती है इस सफर। एक सेकंड,
वाह, किसी ने कुछ नहीं देखा, चुप हो जाओ, चलो भाई चला जाए यहाँ से। ओके, तो ओशन से निकला और बर्फ में अटका। लेकिन सही में ये स्नो कितनी ज्यादा रियलिस्टिक है, लाइक मैं रियल वर्ल्ड में जैसे स्नो पे चलता हूँ ना, वैसा इफेक्ट आ रहा है यहाँ भी चलने पे। वो बात अलग है कि मैं रियल लाइफ में अभी तक स्नो पे नहीं चला। अभी एक सेकंड, मैं जहाँ चल रहा हूँ वहाँ पे मेरे पीछे लाइन बन रही है। मेरे अंदर का आर्टिस्ट जागेगा। अब ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। वेट, ऐसी ड्रॉइंग बनाऊंगा तुम लोगों ने रियल लाइफ में भी नहीं देखी होगी। ये देखो, तुम लोगों के लिए मैं स्पेशल हार्ट बना रहा हूँ। एक सेकंड, ये मेरे हार्ट की जगह क्या बना दिया? ये हार्ट तो नहीं, लेकिन कुछ और ही लग रहा है। कमेंट करके बताओ क्या है। एंड ये देखो, अपने पास है स्नोबॉल, कितनी ज्यादा रियलिस्टिक है, कैसे उछल रही है। ओ, क्रिसमस ट्री। और ये विलेज को देख के भी क्रिसमस वाली फीलिंग आ रही है। तो उस बुढ़ाऊ विलेजर ने बोला था उसकी सीढ़ी एक केव में मिलेगी। ओ, रु, 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 ये डायमंड है। ओके, इससे बनेगी मेरी डायमंड की पिकैक्स। क्या क्या क्या, चलो यहाँ से। हाँ, तो ये रखा वो चेस्ट। ओ, ये तो एमेथिस्ट वाली जगह है। ओके, तो इधर है म्यूजिक डिस्क। पार्टी सॉन्ग नाम है भाई इसका। लगता है बुढ़ाऊ विलेजर को एकदम इंग्लिश वाले पार्टी सॉन्ग सुनने का शौक है। ये लो चाचा जी, लिया है तुम्हारा मैं सॉन्ग। वैसे एक बार बजा के बताना इसमें कौन सा गाना है। पक्का कोई इंग्लिश सॉन्ग सुनते होंगे चाचा जी। इसकी भैंस की टांग, ये क्या गाना है? A few moments later. Yeah, yeah. मजा आ गया, वाह क्या गाना है, बेस्ट सॉन्ग एवर चाचा जी। वेट व्हाट, ये क्या लिखा हुआ है चेस्ट पे? पुट सोल सैंड टू गेट डायमंड्स। क्या बढ़िया स्कीम है भाई, सोल सैंड डालो डायमंड निकालो। और ये डायमंड के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है मेरे को। चलो चले नेदर में। वेट, भैंस की टांग, ये कितनी लाल नेदर है भाई। लिटरली यहाँ तो बहुत भूतिया फीलिंग आ रही है भाई। कोई है तो नहीं ना, अचानक से कोई निकलना मत भाई, मेरी फट जाएगी बहुत बुरी। इतना ज्यादा रियलिस्टिक होना भी खतरनाक ही है। सोल सैंड लेके तेज होता हूँ। ये ट्विस्टेड वींस है ना। हाँ, क्या मस्त लहर रही है। ये काफी बढ़िया फिजिक्स लगी मेरे को। लहर आ गया, मस्त लहरी भाई, क्या बढ़िया लग रहा है ये देखने में, एकदम कूल है ना। नाइस नाइस, मजा आ गया। डरा दिया भाई सेंटर ना मुने ने। इसकी भैंस का कुत्ता काटू यारू का तो पागल हो जाऊंगा। जल्दी से यहाँ से सोल सैंड लेता हूँ और रफा दफा होता हूँ। ओके, तो मैं लेके आ गया हूँ सोल सैंड। अभी इसको इस चेस्ट में डालूंगा और बहुत सारे डायमंड मिलेंगे। डायमंड डायमंड, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सपना था। अरे क्या यार नानी, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया, मस्त सपना चल रहा था। क्या पार्क जा रहे हम लोग? चलो फिर।